हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद कहीं ना कहीं पूरे देश में खलबली मच चुकी है और सबसे बड़े उद्योगपति भारत के गौतम अडानी का साम्राज्य मानो हिलता हुआ नजर आ रहा है, जिसका सीधा असर उन आम निवेशकों पर पड़ रहा है जिन्होंने LIC व विभिन्न बैंकों के माध्यम से अपने जीवन की जमा पूंजी निवेश में कर दी है। लेकिन सीधा सवाल यह है कि आखिरकार विपक्ष सड़क से लेकर संसद तक जब इस मुद्दे को भुना रहा है तो किस प्रकार की आगे की रणनीति विपक्षी दलों की रहेगी। और अभी की तस्वीरें हम आपको जम्मू से दिखा रहे हैं, जहाँ पर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के तमाम बड़े नेता व कार्यकर्ता आपको तस्वीरों में नजर आएंगे एक ही मांग को लेकर कि आखिरकार जांच जो है वो क्यों नहीं हो रही है, आखिरकार क्यों इस प्रकार जो है सवाल या निशान सरकार के द्वारा उठाया नहीं जा रहा है। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि केंद्र सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अडानी मामले में केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं है, यानी उनका कोई भी लेना देना नहीं है। आज पूरे देश में देशव्यापी प्रदर्शन का आगाज कांग्रेस ने किया है, जिसको लेकर लगातार कांग्रेस संसद में भी मांग करती रही है कि ये चर्चा का विषय होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। वकार रसूलवानी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ यहां पर नारेबाजी जो है वो की जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो सरकार रोजगार की बात करती है उसी ने बेरोजगारी को बढ़ावा दिया है, जो सरकार किसानों की बात करती है उसी ने किसानों के अहित के लिए काम किया है, जो सरकार लगातार ये कहती है कि हम गरीबों के साथ हैं, उन्होंने गरीबी नहीं बल्कि गरीबों को हटाने का काम यहाँ पर किया है। पुलिस का पूरा तंत्र यहाँ पर मौजूद है, बैरिकेडिंग कर दी गई है इन तमाम नेताओं को यहाँ से रोकने के लिए। और सीधी तस्वीरें आपको कांग्रेस कार्यालय के बाहर से दिखा रहे हैं, जहाँ पर लगातार बड़ी मांग ये की जा रही है कि जांच होनी चाहिए और जांच के दायरे में गौतम अडानी को लाना चाहिए। हालांकि गौतम अडानी ये स्पष्ट कर चुके हैं कि सुनियोजित तरीके से इस प्रकार उनको टारगेट किया जा रहा है। अडानी की तरफ से कि मेरे पे प्रहार नहीं है, भारत के विकास। देखिए, पूरी दुनिया में साबित हो गया कि फ्रॉड का काम एक अडानी जी कर रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी सरकार उनको पब्लिक सेक्टर का पैसा उनकी कंपनीज में लगा रही है। वो मोदी जी का पैसा नहीं है, वो लोगों का पैसा है, टैक्स पे मनी है इन भारतीयों की, उसका पैसा अडानी जी की कंपनीज में लगा के उनको फायदा देने का काम जो कर रही है। या ट्रांसपेरेंट सब हो गया, राहुल जी सालों से कह रहे हैं कि कुछ पूरी दाल ही काली है, अडानी जी को गलत तरीके से फायदा देने की कोशिश कर रही है बीजेपी सरकार। और आज जो प्रूव हो गया है, इंक्वायरी की मांग करते हैं जिससे दूध का दूध और पानी में चर्चा क्यों नहीं। अरे चर्चा तो उस चीज में हो, ये तो अभी पूरी दुनिया में साबित हो गया कि सरकारी पैसा जो है वो अडानी जी के शेयर खरीदने में लगाया है, यहाँ तो कार्रवाई होनी चाहिए, चर्चा नहीं। कार्रवाई होनी चाहिए, हमें चर्चा से कुछ नहीं लेना देना है। वकार रसूलवानी भी यहाँ पर मौजूद है, जो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि बड़ी कार्रवाई हो, उसको छीनने जा रही है सरकार, उस पे भी हमारा आप मुझे बताइए राजस्थान में तो पोटला दिया गया। साफ तौर पर लैंड एविक्शन को लेकर भी यहाँ पर धावा बोला है जम्मू कश्मीर शासन के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस ने। देखिए हमारी जो डिमांड है, जो पार्लियामेंट के सब MPs की डिमांड है, लेकिन आप अपोजिशन की डिमांड है, ये कर रही वही डिमांड आज हमारी है। सवाल की अडानी के खिलाफ अगर आप गरीब लोगों की जमीन छीन रही है, उसमें हमारा प्रोटेस्ट है। बड़ी संख्या में आपको कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता यहाँ पर
नजर आएंगे और पुलिस का पूरा तंत्र जो है यहाँ पर नजर आएगा। रमन भल्ला पूर्व मंत्री, देखिए धक्का मुक्की यहाँ पर की जा रही है और हटाने का पूरा प्रयास जो है यहाँ पर किया जा रहा है। कांग्रेस के नेताओं को आगे की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और पुलिस के द्वारा बल का भी प्रयोग किया जा रहा है जिससे बैरिकेडिंग को तमाम नेता व कार्यकर्ता जो है हटा ना सके। तस्वीरें आपको जम्मू से शहीदी चौक से दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता तनातनी जो है पुलिस के साथ उनकी जारी है। महिला पुलिसकर्मी भी आपको यहां पर तस्वीरों में नजर आएंगी। हालांकि गौतम अडानी लगातार ये कह रहे हैं कि सुनियोजित तरीके से उन पर निशाना साधा जा रहा है, लेकिन अब तस्वीरें जम्मू से दिखाने के लिए काफी है कि कैसे विपक्ष ने इसको एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए संसद में चर्चा की मांग की है और विपक्ष ने ये स्पष्ट कर दिया है कि विपक्षी दलों के जो नेता हैं वो पीछे हटने वाले नहीं है। ये बड़ा मुद्दा क्योंकि इसमें देश की आम जनता का, गरीबों का पैसा लगा हुआ है, LIC में निवेश किया गया है, बैंकों में पैसा लगा गया है और गौतम अडानी पर सबसे बड़ा आरोप हिंडनबर्ग ने ये लगाया है कि टैक्स चोरी की गई है गौतम अडानी की तरफ से विभिन्न कंपनियां बनाकर। भाजपा के खिलाफ नारेबाजी यहां पर सीधी तस्वीर है। गौतम अडानी ने मोदी जी के साथ मिलके 2014 से इस मुल्क को लूटा। गौतम अडानी ने एयरपोर्ट हमारे लूटे, गौतम अडानी ने एयरपोर्टों को कब्जा किया, पोर्टों को कब्जा किया, पावर को कब्जा किया, रेलवे स्टेशनों को कब्जा किया और मोदी जी देता गया, उसको सब कुछ देता गया। हमें उससे भी कोई आपत्ति नहीं है वो, लेकिन जो आज फ्रॉड कंपनियां उसकी निकली और उसके शेयर सारे डूब गए, उससे आज हमारा स्टेट बैंक, हमारे मुल्क के दूसरे बैंक और खासकर LIC जिसमें मुल्क के गरीब लोगों का पैसा होता है, मुलाजमों का पैसा होता है, तो उसको भी डुबा के ले गया। तो आज हमारा प्रोटेस्ट है कि अडानी के खिलाफ एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो इंक्वायरी करे या सुप्रीम कोर्ट के जजों का एक बेंच बैठे वो इंक्वायरी करे। ये हमारा प्रोटेस्ट है, ये जम्मू में ही नहीं है, पूरे मुल्क में ये प्रोटेस्ट है। और एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव पे भी हम ये कहेंगे कि गरीब लोगों को बताया जा रहा है, झूठ बताया जा रहा है कि तुम्हारी दुकानें नहीं हम तोड़ेंगे, तुम्हारी जमीनें नहीं हम खाएंगे। पूरे गरीब लोगों पे, पूरे कश्मीर से लेकर जम्मू तक डोजर लगा हुआ है, उनकी दुकानें तोड़ी जा रही है, उनकी जमीनें ली जा रही है। उस पे भी हमारा प्रोटेस्ट है कि गवर्नमेंट होश में आए, वो गरीब लोगों को तंग न करे वरना गरीब लोग उनको उखाड़ के फेंक देंगे। हर जगह आप डोजर देख रहे हो लगा हुआ, क्यों नहीं कर रहे हैं? हर जगह लग रहे लगे यहाँ पर नेता व कार्यकर्ता तस्वीरों में नजर आएंगे। हालांकि कहना है कि जांच तो होनी चाहिए, जांच की मांग जो है बड़ी मांग इस समय बनती हुई नजर आ रही है कांग्रेस की तरफ से। और चाहे कांग्रेस की बात करें, पूरा विपक्ष जो है इस समय, समूचा विपक्ष जो है हमलावर हो चुका है केंद्र सरकार पर और लगातार जो है सवाल केंद्र सरकार से यहाँ पर पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार इतनी मित्रता जो है वो दिखाई क्यों जा रही है, क्यों सदन में जो है वो संसद में चर्चा नहीं की जा रही है, क्यों इस एक बड़े मामले को हल्के से लिया जा रहा है। लगातार अगर हम कहें मीडिया का
कर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं और पुलिस का पूरा तंत्र जो इनको हटाने की कोशिश की जा रही है उनके द्वारा। एक मांग है कि आखिरकार अडानी ग्रुप पर कार्रवाई जो है वो कब होगी। भाजपा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तमाम कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद भारत से लेकर अमेरिका की शेयर मार्केट में एक तरह सा भूचाल सा आ गया है। अडानी ग्रुप के शेयरों में लगातार गिरावट देखी जा रही है, जिसके बाद बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार कब कार्रवाई होगी और कब जांच जो है वो बिठाई जाएगी। मुख्य प्रवक्ता जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के रविंदर शर्मा भी यहाँ पर मौजूद है इस समय। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि देश के विकास के साथ जोड़ा जा रहा है इस समय। रविंदर सर की बाइट कराओ यार। रविंदर जी अडानी का कहना है कि हम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री प्रोब का मांग कर रहे हैं और अडानी जी ने SBI और LIC का पैसा लिया है जो आम आदमी का पैसा है। गरीब लोगों का पैसा आज बैंक में भी सुरक्षित नहीं है। हम ये मांग करते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच हो। दूध का दूध पानी का पानी। मोदी सरकार खामोश क्यों है? पार्लियामेंट को स्थगित कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर जजमेंट जो है उसकी जांच हो। आम आदमी का पैसा जो बैंकों में है वो भी अगर सेफ नहीं होगा। ये सूट बूट की सरकार जो है ये हम पहले से ही कहते थे कि ये बात जो है ये देश को लूट रहे, तो काला दान लाने के बजाय। देखिए साफ तौर पर आपको तस्वीरें जम्मू के शहीदी चौक से दिखा रहे हैं, कांग्रेस कार्यालय के बाहर, जहां पर बड़ा हमला इस समय केंद्र सरकार पर किया जा रहा है और बड़ा सवाल यहां पर उठाया जा रहा है कि आखिरकार ये मित्रता जो है वो क्या रूप ले रही है। जहां पर घोटाले का नाम यहां पर सामने आ रहा है, जहां पर टैक्स चोरी की बात की जा रही है, वहां अडानी ग्रुप को लेकर बड़ी लापरवाही यानी कि कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। देश की आम जनता का पैसा निवेश के तौर पर LIC में पूरी तरह से निवेशित है और साथ ही साथ विभिन्न बैंकों को भी पैसा जो है आम लोगों के द्वारा दिया गया है, लेकिन इस समय बड़ा सवाल है कि सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष हमलावर है, आखिरकार केंद्र सरकार जवाबदेही क्यों नहीं करती है। आप यह वास्तव बना रही देखते हुए।